महीने में मुंबई में मोदी का दूसरा दौरा, सर्वे में हार की भविष्यवाणी के बाद बदला बीजेपी का गेम प्लान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 फरवरी को दोबारा मुंबई दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी अंधेरी ईस्ट में दाऊदी बोहरा समुदाय की अरबी अकेडमी के उद्घाटन के मौके पर उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि मोदी बोहरा समुदाय के परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले बीती 19 जनवरी को माय नगरी मुंबई आए थे, जहां उन्होंने कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने मेट्रो फेज 2 की दोनों लाइनों के लिए भी उद्घाटन किया था और उसमें यात्रा भी की थी। माना जा रहा है कि इस मुंबई यात्रा के दौरान पीएम मोदी दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। कुछ दिन पहले मोदी ने बीजेपी नेताओं से ये कहा था कि वह बोहरा समुदाय और अन्य मुस्लिम समुदायों से मिले, भले ही मैं पार्टी के पक्ष में वोट ना करें, फिर भी उनसे मिलने जुलने का काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि हालिया सी वोटर सर्वे में जिस तरह से बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान होने की बात कही गई है, उसके बाद पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदली है। पीएम का यह दौरा बीएमडी चुनाव के मद्देनजर होने का दावा विपक्ष द्वारा किया जा रहा था। दरअसल बीजेपी और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच में इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार बीएमसी की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है और इस काम के लिए उसे उद्धव गुट को किसी भी कीमत पर हराना होगा। पीएम मोदी का पिछला मुंबई दौरा आगामी बीएमसी चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार मुंबई शहर में आना कोई संयोग नहीं है, यह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किसी महानगर पालिका के चुनाव में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट देश के कई छोटे छोटे राज्यों की वजह से काफी ज्यादा है। ऐसे में इस बार पीएम मोदी और बीजेपी की नज़र बीएमसी की सत्ता पर लगी हुई है।